हेलो भाइयों, एक ही हेयर कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो विजय मेरे सर ने अपना न्यू कॉन्सेप्ट इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, जिसका ट्यूटोरियल आपके सामने है, बहुत ही जल्दी से हाजिर है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो जो है भाई साहब वो सब ही कर देना। और ये अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो भाई एक के भाई को इंस्टाग्राम पर आपने लाजमी फॉलो कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की हमारी मिल जाएगी। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एडिटिंग के लिए पोज दिखा देता हूँ। चलो मैं पोज दिखाने की तरफ से एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मतलब आपको ये जो क्या कहते हैं ये जो है ये क्या कहते हैं ये जो विजय जैसा क्या कहते हैं आई सॉरी ट्राउज़र जो है, अगर आपके पास ऐसा है तो भाई ये मछली पे सुहागा। ओ एक है भाई, मछली ने सोना होता है। अच्छा अच्छा भाई, सोने पे सुहागा। अगर ऐसा है आपके पास ट्राउज़र तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपने ऐसा ट्राउज़र पहनने के बाद फ़ोटो क्लिक करवा लिया। दूसरी बात ये आ जाती है, अगर आपके पास क्या कहते हैं वो नहीं है, मतलब विजय महर जैसी शाइन जैसी जैकेट नहीं है, तो आप भाई सिंपल अपर भी डाल सकते हो, उसका हम कलर चेंज कर देंगे। और आपके पास अगर ये क्या कहते हैं ट्राउज़र है तो ठीक है, वरना आपने हाफ फ़ोटो क्लिक करवा लेनी है, मतलब ऐसे फ़ोटो क्लिक करवानी है। पोज असल हमारा ये है जैसा आपको नजर आ रहा है। बाकी पोज की लिंक भी मैंने से आपको दे दूंगा, आप पोज भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस हाफ फोटो को यहां तक क्लिक करवाना है सिंपल ऐसे, और उसके बाद इतना कट कर देना है, मतलब बैकग्राउंड इरेज करते हुए। और बाकी जो है ये टांगों की लिंक मैं आपको नीचे दूंगा, तो हम टांगों को यहां पर लगा देंगे, क्योंकि बिल्कुल एक विजय महर जैसी फोटो से मैच हो जाए। क्योंकि असल इस फोटो के अंदर जो लुक दे रहा है ना, वो ये वाला क्या कहते हैं ट्राउजर जो है यही दे रहा है, तभी इसी वजह से हम इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो अब हम ये आपको समझ आ गया होगा, तो अब हम अपने बैकग्राउंड को खोल लेते हैं पिक्सआर्ट में, तो एडिटिंग की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड जो पिक्सआर्ट में खुल चुका है, नन्नी मुन्नी ओ मतलब गाड़ी वाला बैकग्राउंड है। तो ये पिक्सआर्ट में हमारा बैकग्राउंड खुल चुका है, इसके लिए मतलब बैकग्राउंड वगैरह के लिंक आपको हमेशा की तरह नीचे मिलेंगे, भाई डाउनलोड कर लेना। तो बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में खुलने के बाद सिंपल आप ऐड फोटो में जाओगे, और मतलब जो टांगों की मैं आपको लिंक दूंगा वो ऐड कर लोगे, और दूसरा अपने मॉडल की फ़ोटो को जो आपने आधी कट करी थी, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। हाँ तो साहब, यहाँ पर हमने दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। और दोनों का बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज कर लिया। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आपने वहाँ से जाके वीडियो देख लेनी है कि कैसे बैकग्राउंड को इरेज करते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस वाले को पहले ऊपर वाले को साइड पर कर देंगे। पहले हम अच्छे तरीके से यहाँ पर जो ये टांगे होंगी उनको क्या करते हैं वो कर लेते हैं, मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये मत बोल देना कि एक भाई इसका जूता कहाँ चला गया। भाई जूते के टेंशन मत लो, ये हमने कार के पीछे इसका एरिया फेंकना है, तो जूते को वैसे ही काटना था, तो जूता लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, जूता वैसे ही काटा हम कटाई में मिलेगा। तो आपने यहाँ पर आराम से बिल्कुल सुकून से ना, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से इस टांग को यहाँ पर बिठाना है। बोलो एक ही भाई से उल्टी हो गई, तो यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल छोटा कर देने के बाद ये जो इसकी ये वाली कटी हुई साइड होगी ना, इसको आपने बिल्कुल लाइट की साइड पे ऐसे बिठाना है, ठीक है। फिर देखो छोटी हो गई, तो ठीक है ये हमने यहाँ पर बिठा दिया, आपने जैसे ऐसे बिठाना है। बिठा देने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर आओगे, उसके बाद आप जा सकते हो रेज़र में। रेज़र में जाने के बाद आपने हार्डनेस को बढ़ा के जो साइज़ मतलब ऊपर आ रहा है उसको आप काट सकते हो, बाकी जो साइज़ ज़्यादा कट जाए उसको आप वापस ला सकते हो, एक रियलिटी के लिए, और मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। और अगर आपका साइज़ वैसे बैठ रहा हो तो बिल्कुल ही मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप डन करने के बाद आओगे यहाँ पर, उसके बाद अपने मॉडल को ले आओगे, ठीक है। मॉडल में आपने याद रखना कि मतलब एक अपर तो लाजमी ही आपने वाइट टी शर्ट के ऊपर अपर तो लाजमी डालना है, अगर आपके साथ शाइन जैसी जैकेट नहीं है, वरना फिर आप तो जैकेट है तो फिर मछली पे सुहागा ही हो जाएगा, वो मतलब सॉरी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो ये हम इधर लगा रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा भाई, मैं जादू नहीं कर रहा। देखो सामने टांगों से टांग जोड़ रहा हूँ, ये इसकी टांगे नहीं है, विजय महर वाली टांगे, आपको पता ही होगा। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब ये बड़ी ये टांगे छोटी हैं, ये चीज़ें सब ध्यान में रखनी है। अगर टांगे बड़ी हैं तो मॉडल को बड़ा करना है, अगर मॉडल बड़ा है तो टांगों को छोटा, मतलब अगर मॉडल ज़्यादा बड़ा हो गया तो हमने टांगों को भी उस हिसाब से लाना है, मतलब जो जो चीज़ें जहाँ पर हैं उसको हमने डन करना है। तो आप देखो मैं किस तरीके से मतलब एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मतलब अभी हमारे हिसाब से देखें तो टांगे जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गई हैं, और टांगों को जितना हमने बड़ा रखा था हमने मॉडल को भी बिल्कुल उसी हिसाब से लगाया वहाँ पे, और मॉडल को भी उतना ही बड़ा रखा है। मतलब ये नहीं करना तुम लोगों ने कि मतलब मॉडल को छोटा कर दो और टांगों को बड़ा कर दो फिर तो फोटो फेक लगेगी, तो ठीक है आपके सामने मतलब देखो तो दोनों बिल्कुल एक असलियत वाला भी लुक दे रही हैं कि मतलब हाँ यार कि ये इसकी असल चीज़ें हैं, देखो मतलब कहीं से फेक नहीं लग रही। फिर भी हम मॉडल को तो बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा करेंगे, नन्ना मुन्ना सा हाथ लगा देंगे बिल्कुल थोड़ा सा, तो अब बिल्कुल ही मतलब इसकी असल टांगे लग रही है, देन बहुत ही बढ़िया लग रही है फोटो। हम कर देते हैं डन भाई साहब, हमने यहाँ से कर दिया डन। डन कर देने के बाद हम यहाँ पर मॉडल के जो अपर इसका कलर चेंज करेंगे, कि आपका अगर अपर हो मतलब ऐसे ही टाइप का तो आपने भी सिंपली जाना है इफेक्ट में और आना है कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपने ये वाला कलर सेलेक्ट रहने देना है, और उसके बाद सिंपल रेजर में जाना है, क्लियर ऑल पर जाना है, और ब्रश सेलेक्ट करके आपने फुल पे अप्लाई कर देना है। फुल पे अप्लाई करके मैं बताता हूँ क्या करना आगे।
तो ये फुल पे अप्लाई हो चुका है। अच्छा, ये फुल पे अप्लाई होने के बाद आप डन कर दोगे, ठीक है। डन कर देने के बाद आपने यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर इस पे होगा, नॉर्मल पे आने के बाद आपने इसको ले आना होगा यहाँ पर स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पे लाने के बाद इसकी कोई भी फोटो मतलब अपने हिसाब से कलर रख सकते हो जो आपको बेटर लग रहा हो, मतलब आपके हिसाब से जो आप गाड़ी से कलर मैच हो रहा हो या आपको जो कलर बेटर लग रहा हो। तो हम तो यहाँ पर ब्लू कलर में शेड देते हैं क्योंकि ब्लू कलर आके जाके आपको लाइट रूम एप्लीकेशन में काम आएगा, जैसे कि हमने एडिटिंग करी थी तो ब्लू कलर में। बाकी आप यहाँ पर आके कोई भी अपने हिसाब से लुक दे सकते हो। देखो हर चाहे मुझे मल्टीप्लाई पे आओगे तो ब्लैक कलर हो जाएगा, देन ब्लैक कलर में तो बहुत ही फोटो तबाही लग रही है और बहुत ही नाइस लुकिंग लग रही है, लेकिन हम नहीं दे रहे। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, मतलब जोर जबरदस्ती वाला के हिसाब नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आप वैसा करवा सकते हो साहब। तो यहाँ पर हमने ये ब्लू कलर के उसमें दिया, ब्लू कलर में हल्का सा शेप दे देने के बाद सिंपली हम यहाँ से ऊपर से कर देंगे डन। तो ये जब ब्लू कलर में आके तो हम कर देंगे यहाँ से डन। डन कर देने के बाद हम यहाँ पर स्किन पे थोड़ा सा इफेक्ट देंगे, टूल में जाके एडजस्ट में जाएंगे और यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, देन शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और रेजर में जाके क्लियर और पे जाएंगे और कर लेंगे साइज़ को सिलेक्ट और यहाँ पर क्या कहते हैं और यहाँ पर हम अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। तो मैं जल्दी से अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना है। हमारी स्किन पे अप्लाई हो चुका है, हमारी स्किन अप्लाई हो जाने के बाद डन करेंगे हम। उसके बाद मैं आपको सेटिंग इसकी बताता हूँ, आप आ जाओ यहाँ पर। आने के बाद आपने ब्राइटनेस जो इसकी होगी, इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बिल्कुल बढ़ाना होगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देना होगा। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को आपने नहीं छेड़ना होगा, आपने आना होगा सेचुएशन में, सेचुएशन को आप हल्का सा माइनस पे ले जाओगे बिल्कुल थोड़ा सा 7% तक। उसके बाद आप हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा दोगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल। देन शेडोज़ को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, शेडोज़ को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, हाईलाइट्स को थोड़ा सा और ज़्यादा सा बढ़ा दोगे आप। और यहाँ पे ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा बिल्कुल मतलब 6% हो गया, 8% रखना है ब्राइटनेस को आपने, बल्कि ब्राइटनेस को आपने वही 5% या 6% तक रखना है, ठीक है। और उसके बाद सिचुएशन को आपने थोड़ा सा माइनस की तरफ ले जाना है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा माइनस की तरफ ले जाना है क्योंकि विजय मेहर की फोटो के अंदर ये लुक था, तभी हम ये लुक दे रहे हैं। और आपने हाईलाइट्स को भी बढ़ा दिया, तो आप अब कर दो डन। डन कर देने के बाद इतना ही काम आपने करना था पिक्सआर्ट में। मैं आज लाइट रूम के एडजस्टमेंट नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो मतलब नहीं, क्योंकि आप खुद ही मतलब जाके जो कर लोगे आपके आसानी के हो जाएगी, मतलब अब तो पता ही होगा आपको एडजस्टमेंट। अगर आपको नहीं करने आती तो आप कोई भी मेरी वीडियो उठा के देख सकते हो नीचे की, आपको मतलब हर वीडियो के बाद एडजस्टमेंट में बताता हूँ। तो आप लाइट रूम में इतना तो आपको पता ही होगा, चलाना भी आ गया होगा अब आप एडजस्टमेंट के, वरना यहाँ पे एडजस्ट में जाके टूल में भी कर सकते हो, हाईलाइट्स वगैरह बढ़ा के, शेडोज़ को बढ़ा के, हाईलाइट्स को कम करके अच्छे तरीके से इसको बढ़ा के ये। लेकिन आप लाइट रूम के अंदर इस फोटो की एडजस्टमेंट करना बड़ी अच्छे तरीके से होगी, तो भाई लाइट रूम के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से एडजस्टमेंट करना। और अगर कोई मसला होता है तो कमेंट करके पूछ लेना। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है, असल काम यही था, मतलब यही वाला जो मतलब टांगे वांगे ऐड करनी थी, बाकी लिंक आपको हर चीज़ के नीचे मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।